गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज मैं करने जा रही हूँ, वैसे क्या डेली यही बोलती हूँ अपने सामान को दिखा के, लेकिन आज मैं ना अपने सारे कपड़े निकाल के धुलने जा रही हूँ। और धुलने का मतलब आप कह रहे हो कि जब कपड़े धुलने का बोलते रहते हो, ये ना कपड़े थोड़ी थोड़ी देर जो पहन के और उतार के रख देते हैं ना, गर्मी है का टाइम है, पसीने की वजह से ख़राब हो जाते हैं कपड़े। इसलिए मुझे कहीं जाना है, मेरी कहीं जाने की हो रही है तैयारी। वैसे तो बहुत से लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, जिन्होंने नहीं लगाया है उनको आगे पता चल जाएगा। तो बस उसी की तैयारी के लिए मैं कपड़े अपने धुल के रख को धोती हूँ। वैसे चाहिए कि कपड़े पैंट एक एक महीना पहन डालते हैं, लेकिन तसल्ली हो जाती है। नंदन के कपड़े मुझसे थोड़ा कम है, मैंने कहा नंदन के कपड़े तो मेरे से कम थोड़ा ना है। है तो फिर भी बराबर ही। बाल्टी तो 50 रुपए में देख के आई हूँ, लेकिन उठाने की याद रहे तब तो वहीं से निकल के आई हूँ। यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं। बहुत ज़्यादा गंदे तो नहीं होते, बस ये है कि थोड़ा सा सर्फ में और पानी में निकाल के डाल दो तो साफ भी हो जाते हैं, और जैसे पसीने की स्मेल वगैरह आती है वो भी चली जाती है। और मेरे कपड़े ना इतने कलरफुल होते हैं, मैं मशीन में कभी धुलती नहीं हूँ। और मशीन में धुलने का कारण, मौसी के यहाँ जब रहती हूँ तब भी मैंने मशीन में कभी नहीं धुले, मैं हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ। क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनके कलर निकल रहे हैं, रंग निकल रहा है और धागे निकल रहे हैं, तो मैं मशीन में डालना पसंद नहीं करती हूँ। और अभी मैं ये टमाटर तोड़ के लेके आती जा रही हूँ। घर के ये टमाटर हैं और मतलब कि काफ़ी निकला है टमाटर, इस समय पर महंगा भी चल रहा है, 40 रुपये किलो चल रहा है। लेकिन सारे टमाटर तोड़ के लेके आई, तो उसमें से जो ज़्यादा पके पके थे ना, उसकी हमने मामी ने मीठी चटनी बना ली। और जब मीठी चटनी बन गई ना, तो फिर मामी और मामा दोनों बोले कि चलो आलू के पराठे बना लेते हैं। आलू पराठे खाने का मन हो रहा था मामा जी का भी, और मामी बोली हमने भी काफ़ी टाइम से नहीं खाया जब से बेबी हुआ है, तो फिर यहाँ पर आज आलू के पराठे बन रहे हैं लंच में। सब लोग वही खा लेंगे, कभी कभी अच्छा लगता है। वैसे गर्मियों में ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, लेकिन हाँ कभी कभी तो अच्छा लगता है। फिर आलू के पराठे तो कचाए जाओ उनसे सीजन में, अच्छे लगते ही हैं। और टमाटर की मीठी चटनी, और मामी देखो ऑयल किससे लगा रही, गिलास से कह रही थी इससे अच्छे से बन जाता है। मैंने कहा चलो नई नई ट्रिक निकाल के लाती हैं मामी जी। और लंच होने के बाद ना, मैं तो सीधे लेटी थी, लेटी लेटी नींद आने लगी। तो फिर मामी बोली कि तुम दोपहर में बोल रही थी कहीं जाने के लिए, जाना नहीं है क्या? फिर अचानक से याद आया, फिर मैंने कहा हाँ चलो। फिर बस हाथ मुँह धो के तैयार हुई हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि जाने से पहले जो सामान मुझे लेना है ख़त्म हो गए हैं वो भी ले लेती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे अपने मॉडल पेपर लेने हैं, क्योंकि एक महीने बाद मेरे एग्जाम है। तो जहाँ रहूँगी वहाँ तैयारी करती रहूँगी, मॉडल पेपर और बुक वगैरह ले लेती हूँ। तो बस वही लेने जा रही हूँ अपना इम्पोर्टेंट सामान। अगल जी बीए के फोर्थ सेमेस्टर के मॉडल पेपर। और
उसके बाद मैं मार्केट आ गई हूँ। थोड़ा सा मैं गई थी एक कपड़े की शॉप पर, क्योंकि मुझे ना कुछ कुर्तियाँ लेनी थी। देखी थी तो मैंने बहुत सारी, लेकिन मुझे पसंद बस एक ही आई थी, वो मैंने अभी दिखाई नहीं है। उसके बाद मैं आ गई हूँ जनरल स्टोर में। तो जनरल स्टोर का जो सामान है, लिप बाम वगैरह, ये चीज़ें बहुत कॉमन है, खोती रहती हैं, टूटती रहती हैं, गर्मी है, तो बस यहाँ पर जो लेना था वो सामान भी मैंने ले लिया। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही जो नहीं है, गर्मी में ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे रोज वाटर है, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। क्लेचर वगैरह, क्योंकि क्लेचर तो मैं ले लेके परेशान हूँ और लगाती बहुत कम हूँ, फिर भी खो जाते हैं। रास्ते में मेरी फ्रेंड भी मिल गई, तो थोड़ा उनके साथ भी चली गई थी आगे मार्केट, वीडियो नहीं शूट किया था। और बस थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, 4 बजे निकली थी, 5:30 का टाइम हो रहा है। मामा बोल रहे होंगे मॉडल पेपर लेने में बस इतना टाइम लग गया। और बस अभी घर आ चुकी हूँ, चाय पीने के बाद ऊपर आए तो यहाँ पर नानी पेड़ों में पानी डाल रही थी, तो मैंने कहा लाओ मैं डाल देती हूँ। नानी के पैरों से चलता नहीं बनता, लेकिन वो ना थोड़ा थोड़ा चलती रहती हैं, इस वजह से नहीं कि उन्हें काम करने की पड़ी है, वो इस वजह से थी ताकि थोड़े बहुत उनके पैर चलते रहें, बिल्कुल से वो ना हो। और अब तो मैंने आपको कई बार से दिखाया नहीं, उनके पैरों में ना सूजन भी बहुत आ गई है। और आप लोग बोल रहे हैं ऑपरेशन के लिए, लेकिन ऑपरेशन ना थोड़ा सीरियस है, और ऑपरेशन के लिए पैसा, हर चीज़ ना, सारी इंतजाम हो जाएं, घर में भी महीने खान उनको रेस्ट चाहिए, सारी चीज़ें हो जाएं, फिर ऑपरेशन हो जाए। अभी मामी हैं तो बेबी को भी देखना होता है, घर का काम भी देखना होता है, फिर नानी की भी दिक्कत हो जाएगी। अभी तो ऐसा नहीं, बैठे बैठे बेबी को खिला लेती हैं तो मामी अपना काम कर लेती हैं, और बैठे बैठे वाला जो नानी की हेल्प होती है वो सारी कर देती हैं। मैं पानी डाल रही थी तो वो मेरे कपड़े घरी करने में लग गए। मैंने कि भैया घर ही मत करो, मुझे ऐसे बटोर के ले जानी है, क्योंकि उनमें प्रेस करना है। मामी क्या बोल रही थी? एक यहाँ से बोल रही है, क्या बोल रही है तुम? कार्टून देखना है तो मैं एक अच्छा। कार्टून टीवी में नहीं अच्छे लगते, टीवी में तो पता नहीं उसे क्या है, वो फोन में ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो जितने सारे कपड़े धोले, तेल लाइट चली गई, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं प्रेस लगा के आई थी, मुझे ना ये जो अपनी कॉटन की कुर्ती और वैसी गाउन वगैरह है ना, इनमें प्रेस करके और अच्छे से पन्नी में सेट करके रखने थे, ताकि कम जगह लें बैग में, और पैकिंग करने में ना खराब ना होए। मैं ऐसे ही रख देती हूँ तो सारे मुड़ जाते हैं, धुले ना धुले बराबर हो जाते हैं। बस सारे कपड़े ना उठा के लेके आई रही थी, यहाँ पर प्रेस लगा के गई हूँ। ये देखो यहाँ पर ना प्रेस लगा के गई थी और लाइट ही चली गई। मेरी किस्मत ही खराब रहती है, दोपहर सोचते सोचते अभी नंबर लगाया था, चली गई लाइट। और यहाँ पर नानी के हाथ में आज पता नहीं क्या हो गया, रात में दब गया है कि गलती से मोड़ सा गया है, सूजन सी हो रही है। तो मामी ने आई डिक्स लगाया है और बोल रही थी कि कंघी नहीं हो पा रही है, तो मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ। पता नहीं वो राइट वाला हैंड है ना, आपको देख रहा होगा, सूजन सी हो गई है। और पता नहीं ये रात में सोने में दब अब जाता है, उस वजह से है, किस वजह से दर्द भी हो रहा था। वो कहते नहीं जब शरीर में एक दिक्कत होती है तो सारी परेशानियाँ ऑटोमेटिक निकलती चली जाती हैं, तो वैसा ही हाल है। तो कोई नहीं, मैंने चोटी कर दी है, मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ, आपको बांधने में दिक्कत होगी। और मैं कर रही थी तो शिवांशी भी बैठ के रो रही थी कि लाओ हमें भी करनी है दादी की चोटी। कह रहे जब मैंने चोटी कर दी तो कह रही थी कि दादी अपनी चोटी खोल दो, एक बार नंदिनी दीदी ने बनाई है, अब एक बार मैं बनाऊंगी। और
और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों में प्रेस, सारे कपड़ों में नहीं, बस ये कॉटन की कुर्तियाँ हैं ना, इनको ऐसे रख देते हैं तो पूरी सुकड़ सी जाती हैं, इस वजह से मैं इस बार प्रेस करके अच्छे से सेट करके रख रही हूँ। और मेरी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है आप लोग प्लीज़ गैस करके बताइए। वैसे ये बात तो मैंने वो बोल दी कि अपने ही हाथ से गड्ढा खोदने वाली, क्योंकि कुछ लोग तो मेरे जाने आने वाली बात से इतना खफा रहते हैं कि कुछ मत पूछो, मतलब कि कोई नहीं, मैं आज निगेटिव कमेंट भी पढ़ लूँगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ गैस करके बताइए कि इस बार मेरी तैयारी कहाँ हो रही है जाने की। पर बस इन्हीं प्यारे फूलों के साथ करूंगी अपना ये वाला वीडियो एंड। और आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, कपड़े दिखे हैं वैसा, जैसा भी लगा हो, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते रहे। तो बाय बाय, टेक केयर।